इस समय हम मौजूद हैं जेएनयू के बाहर। जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रही हैं जिसको लेकर के जो है देश भर में कोई ना कोई बवाल खड़ा होता है। अब हाल ही में अगर इस प्रकरण को ले लिया जाए तो बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की तरफ से जो एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उसके बाद एक नई चर्चा जो है वो देश में छिड़ गई है। हालांकि तुरंत बाद अगर बात की जाए तो विदेश मंत्रालय का भी इसमें संज्ञान आ गया था। खुद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहा था कि ये जो है सुनियोजित तरीके से कुछ जो है जान पूछ कर गिने चुने लोगों की तरफ से जो है इसको दिखाया गया है और इसमें जो है गलत फैक्ट्स पेश किए गए हैं। अब अगर बात की जाए, उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया, उसको हर जगह पर भारत में जो है दिखाने से बैन कर दिया गया, क्योंकि इसमें अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट भी मिल चुकी है। लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए इस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, तो जो JNUSU है यहाँ का, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, जिसमें अभी पूरी तरह से चारों सीटों पर लेफ्ट का कब्जा है, जिसके आखिरी चुनाव 2019 में हुए थे, उसके बाद कोरोना की वजह से यहाँ पर चुनाव नहीं हो पाए, जिसके अध्यक्ष आईशी घोष हैं, उनकी तरफ से कल रात अगर बात की जाए यानी कि 24 जनवरी की रात को 9 बजे इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का फैसला किया गया। अगर बात की जाए तो दिन से ही जो है ये पोस्टर वायरल किया जा रहा था। यहाँ पर जो यहाँ के छात्र हैं उनको कहा जा रहा था कि रात को 9 बजे डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, जिसमें पीएम मोदी को क्वेश्चनेबल किया गया है। बीबीसी की तरफ से उसका फर्स्ट पार्ट रिलीज़ हुआ था 17 जनवरी को, वो दिखाने के लिए जो है कहा गया था। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स यूनियन है, लेफ्ट का स्टूडेंट्स यूनियन है, उनकी तरफ से कहा गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि इसको जो है बैन कर दिया गया था, उसके बाद जो यहाँ का JNU का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने मना किया था स्टूडेंट्स यूनियन को, जो इसके ऑर्गेनाइजर थे उनको, कि आप ये डॉक्यूमेंट्री नहीं प्रसारित कर सकते क्योंकि इस पर बैन लगा दिया गया है। इसमें क्योंकि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ और सिर्फ जो है गलत आरोप इसमें लगाए गए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री की चर्चा ना ही सिर्फ भारत के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर भी हो रही है। खुद जहाँ से ये ब्रॉडकास्ट हो रही है बीबीसी यानी कि ब्रिटिश से, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो है इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का बचाव कर चुके हैं। अगर बात की जाए ब्रिटिश संसद की, तो ब्रिटिश संसद के कई सारे ऐसे जो सांसद हैं वो इसमें कह चुके हैं, बीबीसी को चेतावनी दे चुके हैं कि आप जान पूछकर इस तरह की चीज़ें मत कीजिए। इसमें जो है पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग बीबीसी की तरफ से की जा रही है, ये भी आरोप भारत देश से नहीं बल्कि ब्रिटिश से लग रहे हैं जहां से ये सब चीज़ें ब्रॉडकास्ट हो रही हैं। उसके बावजूद इसी JNU के अंदर अगर बात की जाए तो 9 बजे रात को, 24 जनवरी रात 9 बजे इसको दिखाने का फैसला लिया जाता है, उसके बाद प्रशासन की तरफ से मना किया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट देखने को मिलता है। उसके बावजूद यहाँ पर जो लेफ्ट से जुड़े लोग हैं वो अपने लैपटॉप में और अपने मोबाइल फ़ोन्स में उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए अड़ जाते हैं। वहाँ पर अगर बात की जाए, रिपोर्ट्स में ये भी सामने आ रहा है कि जो यहाँ की अध्यक्ष है JNUSU की, लेफ्ट से बिलोंग करती हैं, जो पूरा यहाँ पर गठबंधन है, चाहे वो आईसा हो, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन AISF हो, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, या फिर SFIO स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सब जो है वामपंथ विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं। और उन्होंने जो है ऐसा भी कहा जा रहा है कि QR कोड भी शेयर किया बाकी विद्यार्थियों से, उनको बुलाया गया कि आप डाउनलोड कीजिए और इस डॉक्यूमेंट्री को देखिए, जिसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट वहाँ पर देखने को मिलता है। प्रशासन ने साफ तौर पर मना किया था आप ये डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा सकते, इसकी परमिशन यहाँ पर नहीं दी गई थी, उसके बावजूद वहाँ पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री देखना शुरू किया, जिसके बाद एक आरोप उनकी तरफ से लगाया गया कि बाकी जो संगठन है वो आकर के हम पे पथराव कर रहे हैं, उनके एक दो जो है विद्यार्थी आकर के हम पे पथराव कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब देर रात इसको लेकर के स्टेटमेंट सामने आई, उसमें साफ तौर पर ABVP पर आरोप लगाया जा रहा था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उन्होंने यहाँ पर आकर क्लियर स्टेटमेंट दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं सब मनगढ़ंत आरोप हैं। अगर यहाँ पर वो आरोप लगा रहे हैं तो उसके पीछे तथ्य क्या है, उसके जो है फैक्ट्स क्या हैं, क्या उन्होंने किसी को देखा वहाँ पर पथराव करते हुए, क्या वहाँ पर पथराव हुआ, इसकी कोई भी जो है कोई भी सबूत सामने जो है नहीं है, कोई भी सबूत जो है पेश नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ जानबूझ करके ABVP को जो है टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए पिछले एक लंबे समय से ABVP और लेफ्ट की यहाँ पर जो है लड़ाई देखने को मिलती है, चाहे फिर वो 2016 का प्रकरण हो जब देश विरोधी नारे यहाँ पर लगे थे, उसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार इस तरह की खबरें JNU से आती रही, जब कभी ना कभी JNU जो है वो एकदम हॉट जो है टॉपिक बना रहा, चाहे फिर वो 2020 की घटना हो जब अंदर जो है
लाठी चार्ज हुआ था एक दूसरे पर, जो है आरोप लगे थे उस समय भी अगर बात की जाए तो जो पुलिस की रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ज़्यादातर जो है 90% लेफ्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो देर रात में एबीवीपी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे उनका स्टैंड जो है सामने आ चुका था कि ऐसा कुछ भी जो है हमारी तरफ से नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ जो है आरोप लगाने की राजनीति की जा रही है। इसी बीच एक खबर और सामने आई कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी इस डॉक्यूमेंट्री को 25 जनवरी को शाम 6 बजे दिखाने का जो है फैसला किया गया। वहाँ के कुछ जो लेफ्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से उसमें चार छात्रों को, चार आयोजकों को जो इसका आयोजन कर रहे थे उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि जो चीज़ें प्रतिबंधित हैं बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को अगर सरकार की तरफ से बैन लगाया गया है तो फिर यहाँ पर उसको क्यों जो है जो लेफ़्ट विचारधारा के लोग हैं क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं, उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के पीछे पड़े हैं जिस पर सरकार जो है बैन लगा चुके हैं। बैन लगाने के बावजूद अगर यहाँ पर खुले तौर पर इन्वाइट किया जा रहा है, इन सबको आमंत्रण दिया जा रहा है, आइए डॉक्यूमेंट्री देखिए, क्यूआर कोड जो है वो दिए जा रहे हैं, क्यूआर कोड से आप इस डॉक्यूमेंट्री को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री को देखिए। क्योंकि अगर बात की जाए उसमें जो है तनाव दिखाया गया है भारत के अल्पसंख्यक जो मुस्लिम हैं उनके बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, लेकिन यहां पर उसके बाद जितनी भी इंक्वायरीज हुई अगर बात की जाए कांग्रेस आज उसको लेकर सवाल उठा रही है। हालांकि एके एंटनी के बेटे खुद जो कांग्रेस के नेता हैं वो इसको लेकर के अब इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, और खुद यहाँ पर अगर बात की जाए उस समय की जो इंक्वायरीज हुई उस इंक्वायरी के बाद जो है क्लीन चिट मिली है यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को। इस गुजरात दंगों की अगर बात की जाए बड़ी बड़ी जो है कमेटियाँ बनाई गई, जांच की गई, लेकिन उस जांच में कुछ भी खुलकर सामने आया। आज अमेरिका भी जो है इस मुद्दे पर कह रहा है कि हमारे भारत के साथ गहरे संबंध है, हमारे रिश्ते जो है अभी अच्छे चल रहे हैं, हम दोनों जो है लोकतांत्रिक देश सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत के अंदर ही बैठे हुए कुछ लोग हैं जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं उस क्लीन शीट पर भी, जो लगातार एक नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि गुजरात दंगों पर तो यहाँ पर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बना दी, लेकिन अब उसके बाद एक नया नरेटिव यहाँ पर सेट होता है, नए प्रश्न चिन्ह उस बीबीसी पर उठते हैं कि बीबीसी ने वो 1946 का बंगाल का जो मसक्कर था वो क्यों नहीं बीबीसी दिखा रहा, जिसमें हज़ारों लोग की जान चली गई थी, भूखे उनको जो है तड़पना पड़ा था। अगर बात की जाए यहाँ पर चीन के अंदर जिस हिसाब से मुसलमानों के साथ वहाँ पर जो इस समय बर्ताव हो रहा है उसके बारे में बीबीसी कुछ नहीं दिखाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अगर भारत की बात की जाए तो 1984 के जो सिख नरसंहार हुआ या फिर इमरजेंसी लगाई गई उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार सवाल चिन्ह उठ रहे हैं बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर भी, जिस हिसाब से उसका एक नरेटिव पेश करने की कोशिश की है। और हमेशा से अगर बात की जाए बीबीसी सवालों के घेरे में खड़ा रहा है, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो राइट विंग को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा रहा है कि किस हिसाब से इसमें चीज़ें मैनिपुलेट करके दिखाने का प्रयास किया जाता है। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो इस जेएनयू में हालात जो है वो रात को संभाल लिए गए थे सिक्योरिटी की तरफ से, उसके बाद जो है इस मामले में यहाँ पर जो थाना है, नज़दीकी थाना है वसंत कुंज थाना, उसमें भी जा करके जो है प्राथमिकी दे दी गई है, कंप्लेन दे दी गई है। और एबीवीपी का इसमें साफ तौर पर कहना है कि ये जानबूझकर हम पर जो है झूठे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच अगर बात की जाए लेफ्ट की जो एबीवीपी पर आरोप लगा रहा है, लेकिन इसमें तथ्य जो है कहा जा रहा है तथ्य पेश नहीं किया जा रहे, सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत आरोप है। और सबसे बड़ा सवाल इस बीच यही, ये विवाद खड़ा क्यों हुआ, क्यों खड़े होने दिया गया इस विवाद को, जब जेएनयू प्रशासन ने मना कर दिया था कि आप नहीं दिखा सकते इस डॉक्यूमेंट्री को, ये डॉक्यूमेंट्री पूरे देश में जो है प्रतिबंधित है, उसके बावजूद यहाँ पर जो आयशी घोष हैं जेएनयू एसयू की प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्यों इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए यहाँ पर जो है सबको विवश किया।